नवगछा में प्लूरल्स पार्टी ने की बैठक, कहा मजबूती के साथ गांव-गांव जाकर करेंगे जनसंपर्क। नवगछा के नया टोला में बिहार के नए उभरते राजनीतिक पार्टी प्लूरल्स पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। मौके पर भागलपुर जिला प्रभारी अमित आलोक ने कहा कि उनकी राजनीतिक पार्टी प्लूरल्स पार्टी बिहार में मजबूती के साथ आएगी, जिसके लिए भागलपुर जिले के सभी प्रखंड के सभी पंचायत में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। वहीं कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। कार्यक्रम में दर्जनों प्लूरल्स पार्टी नवगछा के कार्यकर्ता मास्क व सामाजिक दूरी के बीच थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी, जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, वह लंदन से पढ़कर आई हैं। इसके बाद बिहार की दयनीय स्थिति पर लगातार उनका शोध रहा है। बिहार की स्थिति और बदहाली को बदलने के लिए उनके द्वारा 8 मार्च को पार्टी का गठन किया गया है। इसके बाद लगातार बिहार के सभी जिले के विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। मेरा नाम अमित आलोक है, मैं भागलपुर का हूं और भागलपुर का जिला प्रभारी हूं प्लूरल्स पार्टी का, और चुनावी संगठन में मैं यहां लोगों से जनसंपर्क अभियान में हूं। तो हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत, हर एक बूथ में हम लोगों से मिल रहे हैं, उनको प्लूरल्स पार्टी के बारे में बता रहे हैं, जोड़ रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की रहने वाली हैं, उन्होंने यहीं से अपनी यू नो 12th तक की पढ़ाई की है, IAS की। किस जिले से? वो दरभंगा में पैदा हुई हैं, वहाँ पली बड़ी हैं, बाकी पटना में रहती हैं, और उसके वहीं से उन्होंने बाकी पढ़ाई करी। उसके बाद वो जैसे बाकी बिहारियों में से जिस किसी को मौका मिलता है बाहर निकल जाने का, वैसे ही उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने का मौका मिला। और वो बिल्कुल अभी युवा हैं, 32 साल की हैं, और उन्होंने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है लंदन की, जिसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जहाँ से उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में पढ़ाई करी है, और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जाके एक विकासशील विकसित देशों के लिए उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं। उन्हें भी 2015 में जब इंसेफेलाइटिस फैला था मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ वो थी, और उन्हें लगा कि ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग जो है बिहार से बाहर जाके दूसरे प्रदेशों की नीतियाँ, दूसरे देशों की नीतियाँ बनाते हैं, और हम खुद अपने ही देश में अपने लोगों के लिए नीतियाँ नहीं बना पाते हैं। उस घटना ने उनको बहुत ही झकझोरा, और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा, आप समझ सकते हैं, लंदन से वापस कोई नहीं आना चाहता, तो उन्हें लगा कि नहीं, अब बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और बिहार आ गई। उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया, जिससे दिन आप देख रहे हैं कि हर एक दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि देखिए प्लूरल्स जो है, आप हमें, हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में एक विचारधारा की बात करते हैं, बट प्लूरल्स जो है उस विचारधारा के से ऊपर उठ के उस इंसान के बारे में सोचता है। हमारी विचारधारा जो भी हो, एज एन इंसान हमारी जो डिग्निटी है, जो हमारा वेलनेस है, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो इसमें कोई भी लोग जिनको कि हमें हमारी विचारधारा अच्छी लगती है, उसका सिंपल सा है कि वो ऑनलाइन फॉर्म बन के हमारे मेंबर बन सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म बन के मेंबर बन सकते हैं। और पार्टी प्रेसिडेंट और बाकी सबका कहना है कि यहाँ पे 13 करोड़ की जनसंख्या है, तो जरूरी नहीं है कि बार बार उन्हीं लोगों को चुना जाए। जो फ्रेशर्स हैं इस रूम में भी बैठे हुए, जितने लोग हैं, कभी भी मानसिक रूप से वो बाकी और लोगों से कोई कम नहीं है। तो नए लोग हैं, नया उत्साह है और नई उमंग है। मैं पूरे विश्वास के साथ 100% आपको इस बात का पुष्टि करता हूं कि किसी भी हालत में कभी भी ये पार्टी किसी और पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। अगर अलायंस ही करना होता तो हम लोग 243 सीट पे अकेले चुनाव नहीं लड़ते। कोई पार्टी 8 मार्च को शुरू होती है और 243 सीटों पे एक साथ चुनाव लड़ना चाहती है, इसका मतलब है कि हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हम बंधन या गठबंधन में भरोसा नहीं करते, नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं लोगों का हुजूम नहीं। सर, सोशल मीडिया पर आपकी पार्टी है, लेकिन जमीनी पर लोगों ने अभी नहीं जाना है, तो वो कैसे जानेंगे? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी मैम जो हैं पिछले कई दिनों से दौरे पे हैं। उनका प्लान है कि चुनाव के पहले हर एक ब्लॉक और हर एक ब्लॉक के कम से कम एक या दो पंचायत को विजिट कर रही हैं। भागलपुर नवगछिया का विजिट अभी ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोग यहाँ के हर एक ब्लॉक में गए और ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पंचायत में गए। तो ज़मीनी दौरा तो इसी को कहते हैं कि आप लोगों के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनका निवारण दीजिए। उसके पहले वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी बंद पड़े उद्योग हैं, हर एक उद्योग को उन्होंने अपने आप जा कर के कवर किया है, उन मुद्दों को समझा। क्या तत्कालिक रणनीति है सभी जगह के लिए? रणनीति बहुत ही सिंपल है, साधारण है, कि हम अपने लोगों का एक कैडर तैयार कर रहे हैं।
जो ब्लॉक पंचायत और बूथ लेवल पे हमारे लिए करेंगे। और रणनीति यही है कि हमें हर एक दरवाजे को खटखटाना है, उनकी समस्याएं जाननी है, उनसे बात करना है और उसके लिए जो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है वो देना है। मैं आकाश कुमार, नौगछिया पुलर इकाई की ओर से। क्योंकि नौगछिया में जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बाढ़ की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ये समस्या लगभग, मैं 35 साल का हूँ, 30 सालों से लगभग ये समस्या देखता आ रहा हूँ। छोटा मोटा भी दुर्घटना होती है तो उनको तुरंत भागलपुर भेज दिया जाता है। यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ हम लोग पिछड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी हम लोगों के पास जो होना चाहिए, एक कुछ समय पहले हमको जहाँ तक जानकारी है केंद्रीय विद्यालय नौगछिया में आया था, लेकिन यहाँ की नीति को देखकर यहाँ इतने बड़े क्षेत्र में नौगछिया जमीन नहीं मुहैया करा पाई, क्या स्थिति है। उसके बाद थोड़ा जो हम कह सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया भी यहाँ थोड़ा ढील ढाल है, चोरी आम बात है यहाँ पे। प्रशासन जो है इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों का क्षेत्र जो है पिछड़ा है, इस क्षेत्र को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने पुलर्स पार्टी को चुना है। चूँकि पुलर्स पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य इन सभी चीज़ों से पार पाना है और इनकी विचार ने मेरे विचार से मेल खाया। और आशा करता हूँ जितने भी युवा लोग हैं और इनके साथ जो भी इस विधानसभा में जो भी मतदाता हैं, उनका भी विचार जो है इससे तालमेल रखेंगे, इसलिए हम पुलर्स को गोपालपुर विधानसभा में लाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि लोग इनसे जुड़ेंगे और इनको समझेंगे और अपने गोपालपुर विधानसभा में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं पंकज कुमार पुलर्स पार्टी का मेंबर हूं और हमारी पार्टी 8 मार्च को गठन हुआ है। इसमें हम लोग जितने भी युवा हैं सब मिलकर मैडम पुष्पम प्रिया जी से सारी समस्या का निदान करने के लिए हम लोग एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं। और हमारी पार्टी जो है शिक्षा और जितने भी समस्या हैं हमारे गोपालपुर विधानसभा की, सारी समस्या का देख के गई है और सारे समस्या का हल होगा। और हमारे साथ युवा लोग काफ़ी उत्साह हैं कि हम अब सरकार चेंज चाहते हैं, क्योंकि मैंने 15 साल राजद को देखा, 15 साल गठबंधन की सरकार चली, ये सब सरकार जितना भी है सब अपना अपना जो भी है सब अपना अपना कुर्सी कुमार के लिए खड़े हुए। और हमारी पार्टी में कोई भी अनलीगल लोग नहीं हैं, हमारे में सारे आदमी शिक्षित हैं और हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं।